बच्ची को क्या हुआ था कि जब उसका जन्म हुआ तब से उसको थोड़ी सांस की प्रॉब्लम हुई थी, तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन में रखा था, लेकिन कुछ उन्होंने मतलब क्लियर नहीं किया। उन्होंने ये बोला कि ये बच्चे को होता है, मतलब जो छोटा बच्चा है उसका हार्ट रेट ज़्यादा रहता है। फिर हम लोग वेट करते गए करते गए, तो जब 1.5 महीने की हुई फिर भी उसका हार्ट रेट इतना ही ज़्यादा था। उसको इस जगह पे ऐसे गड्ढे जैसे पड़ते थे, जैसे कि ये पेट अलग लग रहा है, ये ऊपर का हिस्सा अलग, ऐसे 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 होता था उसको। तो फिर वो डॉक्टर बोला नहीं आप लोग इको करवा लो। तो जब हम इको करवाने गए तो वही ये रिपोर्ट मिली हमें। तो उस फिर हमने दोबारा उसी डॉक्टर को दिखाया, उसने बोला नहीं मतलब कि घबराने की बात नहीं, ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा, बड़े सारे बच्चों को होता है, ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा। लेकिन इसको मतलब इसकी ग्रोथ तो हो रही थी, लेकिन जो हार्ट रेट है वो कम नहीं हो रहा था। वो जो इधर गड्ढे जैसे पड़ते थे वो सेम वैसे ही रहते थे। तो फिर हम एक डॉक्टर अमित मिश्री हैं, वो शायद दिल्ली से हैं, वो जम्मू जाते हैं, मतलब 1 महीने में 2 बार शिफ्ट करने जाते हैं। तो जब हमने उनको दिखाया तो उन्होंने बोला कि इसको अर्ली सर्जरी की ज़रूरत है, आप अभी करवा लो। तो फिर भी उस टाइम मतलब हम तो टेंशन में आ गए, फिर भी हमने वापस उसी डॉक्टर को दिखाया, बोला नहीं वो लोग ऐसे ही प्राइवेट सेक्शन है, क्या बता वो पैसे के लिए ये सब वो कर रहे हैं। तो फिर भी मतलब हमने वेट किया। और अभी फिर जब इन्होंने ये हैदराबाद में इनकी जॉब है, तो इन्होंने वहाँ पे ट्राई किया सत्य साई में, इन्होंने वो उसकी रिपोर्ट्स ईमेल की, तो उनका रिप्लाई है बोले कि बच्चे को साथ लाना पड़ेगा। तो फिर हम लोग फर्स्ट टाइम रायपुर छत्तीसगढ़ में गए सत्य साई में, तो वहाँ पे भी टेस्ट वगैरह हुए। उन्होंने डेट दी हमें और सितंबर की, बोला कि टाइम पीरियड काफ़ी है लेकिन इसको सर्जरी की ज़रूरत जल्दी है, तो आप कहीं और ट्राई कर लो। तो उन्होंने बोला इसको ज़्यादा जल्दी ज़रूरत है, प्रॉब्लम हो रही है इसको, तो यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। तो उन्होंने हमें एम्स में रेफ़र किया। हम एम्स में गए, वहाँ पे भी सेम ऐसे ही हुआ, उन्होंने भी टाइम दिया, उन्होंने 5वें महीने का टाइम दिया, और डॉक्टर ने साथ में ये भी बोला कि नहीं आप इसको 1 मंथ के अंदर ही वो करवाओ। इसका इको हुआ, टेस्ट हुआ, तो इन्होंने बोला था कि आप 1-2 दिन का वेट करो, मंडे तक अप्रूवल आ जाएगा। तो जैसे कि मंडे, हाँ मंडे तक आ गया, फिर हम लोग इधर आ गए मंडे।